बिपिन झा सर की क्लास में आए हुए हैं, जहां पर कई छात्र आए हुए हैं। वैसे तो सभी अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, लेकिन यहां पर छात्र के रूप में आए हुए हैं। वजह है पशुपालन में, बकरी पालन में, समेकित पशुपालन में सफल होना। और जो तकनीक बिपिन झा सर के पास है वो शायद ही किसी के पास होगा, क्योंकि ये बहुत ही, मैं देख रहा था पिछले 2-3 घंटे से, मैं यहाँ बैठा हुआ था, देख रहा था कि बहुत ही बारीकी से चीजों को वो समझा रहे थे और लोग बहुत अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे थे। तो अभी हम पटना के परसा में हैं, स्वास्थ्य फाउंडेशन में हैं, अजालिका एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में हैं, और यहाँ पर हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जो छात्र आए हैं यहाँ पर और काफी दूर दूर से आए हैं, पटना मतलब बिहार के ही हैं लेकिन पटना के बाहर से आए हैं, उनसे जानते हैं कि मेरा व्यू कितना सच है बिपिन झा सर के बारे में, जो मेरी सोच है वो कितना सच है या उनकी सोच से मेरी सोच कम है। आइए जानते हैं। यहाँ पर दो महिलाएं हैं और इतने पुरुष हैं, और कुछ लोग चले गए, समय चुकी पे लेट हो रहा था, ट्रेन पकड़ना था तो कुछ लोग चले गए। तो सबसे पहले इनसे जानते हैं, भैया कहाँ से आए हैं आप? गया जिला से आए हैं सर। गया जिला से आए हैं जी। यही रहे हैं जी? रह करके प्रशिक्षण लिए हैं? यस सर, 2 दिन यही रहे हैं। यही रहे हैं? खाना पीना सब कुछ ठीक था? यस सर, बहुत अच्छा था। चलिए, जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो उद्देश्य की पूर्ति हुई? बहुत अच्छा तरीका से समझाया गया और समझ में भी आया है, और आगे का प्लान है कि अच्छी तरीका से हम लोग स्टार्ट करेंगे बकरी पालन। कितना परसेंट नॉलेज अगर देखा जाए तो आपको गेन हुआ है यहाँ पर आने के बाद? देखिए सर, 100% तो क्योर तरीका से बताया गया है, बट हम सबका अपना अपना लेवल है, तो मेरा 80-90% पूरा समझ में आ गया है, और बाकी नोट बनाए हैं तो उसमें हम देखेंगे, रिवीजन करेंगे और उससे भी नॉलेज लेंगे सर। नई बातें क्या जानने को मिली यहाँ पर? नई बातें जानने के लिए बहुत सारे जो बीमारियाँ होते हैं, हम लोग को पता नहीं था कि ये सभी बीमारियाँ होती है। नॉर्मली हम लोग का जो घरेलू उपचार होता है, घरेलू जो बीमारी होती है, वो सब के बारे में जानकारी था, तो बीमारी के बारे में, उपचार के बारे में, रख रखाव के बारे में, ये सब की जानकारी मिला है सर। जानकारी मिली है आपको, और क्या बेनिफिट, मतलब क्या आगे का प्लानिंग क्या है? प्लान यही था सर कि फार्म खोलना है और अच्छी तरीके से डेवलप करना है सर। देसी या पे क्रॉस ब्रीड पे काम करेंगे? नहीं सर, प्योर देसी जो हम लोग का देसी ब्रीड है बिहार में, जो ब्लैक बंगाल है, उसी पे काम करेंगे सर, क्योंकि वो जो है हम लोग के वातावरण में सूटेबल है और अच्छा है, वो यहाँ का डिमांड भी है, यहाँ का मार्केट भी ब्लैक बंगाल का ही है। कहाँ तक पढ़ाई किया सर? हम 12th पास हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो हम एज ए ट्रक ड्राइवर हैं जी, और पार्ट टाइम के लिए सोच रहे हैं, और जी ऊपर हमारा फैमिली फार्मर से ही बिलोंग करते हैं। इसमें एक चीज, नया चीज आप ऐड कर देंगे जी? क्या लगा कि मतलब कि पहले फार्म नहीं खोले आपको, डायरेक्ट यहाँ पे आगे ज्ञान लेने के लिए? जी देखिए, कोई भी क्षेत्र में नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है, बिना नॉलेज के वो जो है आप 1-2 महीना कुछ दिन चला सकते हैं, थोड़ा सा परेशानी आएगी, तो जो भी है लगाए हुए हैं वो पैसा तो जाता ही है, साथ में डीमोटिवेशन हो जाता है, और डीमोटिवेशन एक बार हो जाने के बाद फिर दोबारा मन नहीं करता है कोई भी चीज खोलने के लिए, इसीलिए प्रशिक्षण के लिए आए हैं बिपिन सर से। डीमोटिवेशन की बात सही है, क्योंकि बहुत सारे चीज, बहुत सारे लोग जो है बहुत तरह के वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे या फिर कोई माध्यम है उस पर अपलोड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ सही जानकारी भी रहती है, तो कई कुछ अपने फायदे के लिए लोग वीडियो पर डालते हैं जिसमें वो किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, तो ये चीज़ से बचना है आपको, और सही चीज़ों पे ऑथेंटिक के काम करें, ऑथेंटिक लोगों के पास रहें, क्योंकि वीडियो डालने वाले सभी लोग गलत वीडियो नहीं डालते हैं, ऑथेंटिक वो जज आपको करना है कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे दो महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं और ये भी कर रही थी ट्रेनिंग, कैसा लगा यहाँ पर आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जूली देवी है, मैं पटना से ही बिलोंग करती हूँ। पटना से जी, यही बगल में है गौरीचक, वहाँ से ही बिलोंग करती हूँ, और यहाँ सर के बारे में यूट्यूब से जानकारी मिला, पहले से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा करे जिसमें अच्छा आमदनी हो, तो उसके लिए यूट्यूब पे सर के बारे में देखे, सर बता रहे थे कि इसका फार्मिंग करना बहुत अच्छा है हम लोग के लिए, खास करके महिलाएं इसको अच्छे तरीके से भी कर सकती हैं, तो बहुत अच्छा लगा। फिर एक बार सर से आके मिले पहले कि सर हम लोग ये करना चाहते हैं, कैसे करें क्या करें, तो सर से
थोड़ा सा जानकारी मिला, उसके बाद हम शुरू भी किए। जी शुरू कर चुके हैं। और फिर सर से पूछे कि सर ट्रेनिंग कब तक है, क्योंकि बिना जानकारी के कोई भी काम आप सफल नहीं हो सकते हैं, और किसी काम को सफल होने के लिए सबसे पहले सफल गुरु का होना बहुत जरूरी है। सफल गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर गुरु का हाथ रहेगा तो हर काम में आप सक्सेस हो सकते हैं। तो इसलिए सर के छत्र छाया में हम लोग आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से जानकारी मिला, जो भी पता नहीं था या फिर मतलब कुछ जानकारी ना रहने के कारण वहाँ कुछ परेशानियाँ भी आई, तो सर से कांटेक्ट में रहे, तो सर ने अच्छी तरीके से बताया, और यहाँ आने के बाद जो भी कुछ अज्ञानता बची हुई थी सारी तरीके से पूर्ण हो चुकी। कितनी बकरियाँ रखी हैं और कितने से मदर गॉड? अभी तो 10 से 12 बकरियाँ हैं। और लीडर भी रखी है कि अभी शुरुआत किए हैं? तो अभी तो नहीं, अभी सर के यहाँ से ही सब करना है। तो लगता है कि मतलब प्रॉफिट होगा ऐसा? उम्मीद तो बुझा रहा है कि सब कुछ अच्छा है, हो भी जाएगा। और बाकी जो भी कुछ है, अगर ऐसा कुछ परेशानी आएगा भी तो फिर तो गुरु है ही बताने। सही बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जूली जी काफी संतुष्ट लग रही हैं, और इन्होंने फार्मिंग भी शुरू कर दिया, और फार्मिंग के बाद ये यहाँ पे नॉलेज गेन कर रही हैं, और सर के प्रति काफी इनका मतलब कि क्या होता है कि विश्वास जो है ना, दृढ़ विश्वास है कि अगर हम फंसेंगे भी ना तो ये तो है ही, ये हमको निकाल देंगे। आप कहाँ से आए हैं? आप साथ में हैं जूली जी के साथ में? आप सर कहाँ से? समस्तीपुर। समस्तीपुर से आए हैं? कितना लगे अच्छे जी? अच्छा है। समस्तीपुर में मेरा ननिहाल है, समस्तीपुर जिला में भाई साहब, ये तो होगा। कैसा लग रहा है, कहाँ से आपके मन में विचार आया ये सब करने का? वीडियो सर का देखे थे, वहीं से इच्छा हुआ उसका, फिर ट्रेनिंग के लिए आए। पहले आके कर मिल के गए थे सर से। अच्छा। सर का ट्रेनिंग का प्रारंभ हुआ तो आए हैं, सब कुछ समझे हैं, संतुष्ट हुए हैं। संतुष्ट हैं? जितना वीडियो में देखते हैं यूट्यूब पर, उससे यहाँ ज्यादा जानने को मिला या कम? ज्यादा ही मिला है, और सर बड़े अच्छे तरीके से समझाए हैं सबको जानकारी। फार्म हाउस से दिखाते हैं अपना की बकरी है, बत्तख है, टर्की है, मछली है, वो सब दिखा कि नहीं दिखाए? सब लोग सब कुछ को देख के सब कुछ का जानकारी मिली है, सब जानकारी मिली है। क्या आगे का क्या इरादा? पहले से मेरा पोल्ट्री फार्म चल रहा है। पोल्ट्री चल रहा है, देसी या नहीं? ब्रॉयलर। ब्रॉयलर, अच्छा। तो अब सोच रहे हैं बकरी पालन और देसी मुर्गा पालन, साथ में टर्की भी। टर्की का टर्की को थोड़ा दो चार को रखना चाहिए जो भी फार्मर है, हमको जैसा लगता है, क्योंकि वो सोल्डर है, वो मतलब सैनिक है, वो घूमता रहता है बचाने के लिए चीजों को। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप आगे बढ़े। आप कहाँ से आए हैं सर? मधुबनी जिला से। अच्छा, आप मधुबनी के हैं, तो समस्तीपुर मधुबनी से तो मिले गए जी। कैसा लग रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। कहाँ से आपके मन में ये विचार आया कि ये करना चाहिए बकरी पालन? सर का वीडियो देखे यूट्यूब चैनल में, इससे विचार आया। तो वीडियो देखे तो वीडियो में कुछ कम बेस दिखा यहाँ पे? नहीं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, कैसा बताते हैं विपिन सर? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा जी। और क्या क्या बताया आपको? बहुत सारा जानकारी मिली यहाँ प्रशिक्षण करके। आगे क्या प्लान है आपका? आप घर जाएंगे, फार्म बनाएंगे, पालन करेंगे। क्या लगता है, घर वाले सपोर्ट करेंगे? पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। आप रुद्राक्ष वगैरह पहने हुए हैं, लगता है सपोर्ट करेंगे जी? है जी। चलिए, तो मधुबनी और समस्तीपुर जिला के मिथिला के लोग। आप भैया? सॉरी सर, पटना जिला। बगले के हैं आप? पटना जिला जी। पटना जिला। तो कैसा मतलब आपको मन में कहाँ से विचार आया? वीडियो देखने के क्रम में सर का वीडियो आया, तो हम देखे तो कॉन्टेक्ट करके फिर इसका ट्रेनिंग। आगे क्या क्या प्लान है? आगे प्लान है कि आगे फॉर्म बना के स्टार्ट करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, और सिखाते हैं, ठीक से सिखाते हैं विपिन सर? बिना ट्रेनिंग के सफल नहीं हो सकते, इसलिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। नहीं, हम पूछे कि ठीक से सिखाते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। वो बोल रहा था बाहर बढ़िया नहीं सिखाते हैं। नहीं, क्या कि बहुत अच्छा सिखाते हैं। अच्छा सिखाते हैं। आप सर? समस्तीपुर सिंहिया घाट से। अच्छा, आप भी समस्तीपुर से हैं? क्या बात है, कैसा लग रहा है, लगा दोनों साथ में आए हैं? नहीं नहीं, वो हम सिंहिया घाट से, वो ताजपुर के ही हैं। अच्छा, तो कैसा? बहुत अच्छा लगा सर का ट्रेनिंग देखने के बाद। पहले हम लोग यहाँ सर को यूट्यूब पे देखे थे, मैं मन में जिज्ञासा हुई वहाँ के यहाँ देखे सर, जितना वीडियो मैंने उसमें पढ़ सर के आज बताए, उसमें जितना बताया उसमें से अधिकांश बात को मैंने फॉलो किया। आगे मेरा पढ़ा लेंगे कि कॉट फ्रॉम टर्की का और मछली का पढ़ाना। अभी क्या कर रहे हैं? अभी प्राइवेट टीचर है सर।
प्राइवेट टीचर है, कहाँ एजुकेशन तो लगता है कि आप ट्यूशन पा रहे हैं? जी सर, अभी अभी प्रॉपरली हम BMLT कर रहे हैं। BMLT कर रहे हैं जी, सोच रहे हैं उसके बारे में, ये बैक साइड से इनकम भी होगा। साइड से जी, जरूर कीजिए और सावधानी पूर्वक कीजिए, जहाँ जोश में आने की जरूरत नहीं है, जो सर बताएंगे उसी हिसाब से काम कीजिएगा। आप सर? मैं हिलसा से आया हूँ। हिलसा के हैं जी। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, यहाँ पर ट्रेनिंग लेने से है ना बहुत सारी नॉलेज बढ़ा है। ऐसे भी मैं वेल एजुकेटेड हूँ और एज ए ओनर मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ, तो मेरा एक एक्चुअली एक तरह से कैसे किसान का बेटा होने के नाते मेरा शौक है, तो उस शौक को मैं पूरा करने के लिए सर के साथ ट्रेनिंग लिया हूँ। ट्रेनिंग लेने के बाद इसको आगे कर बढ़ाऊँगा एज ए इंटरप्रेन्योर, तो पूरी तरह से एक मेरे लिए कॉमर्शियल है जो न्यू स्टार्टअप हो जाएगा। मैं इस फील्ड में नया तो नहीं हूँ लेकिन एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरे किसान के बेटा होने के नाते जो बेसिक नॉलेज था उसी के बेसिस पर मैं आगे इसको एज ए न्यू टेक्नोलॉजी न्यू मैनेजमेंट के साथ एज ए स्टार्टअप में स्टार्ट करूँगा। हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, समझा दीजिए आप बोले कि कंस्ट्रक्शन में हम हैं, तो उससे ज़्यादा पैसा है फार्मिंग में? एक्चुअली क्या कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, और जो बोला जाता है इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट रेशियो जो है उस लाइन में कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, इसलिए मैं इस फील्ड को है जो न्यू अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या सीखे? यहाँ पर गोट फार्मिंग के बारे में डिटेल्स नॉलेज मुझे मिल गया है और उस बेसिस पर मैं बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकता हूँ। चलिए, तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और चूंकि वेल एजुकेटेड है और फाइनेंशियल भी काफ़ी मजबूत है, और वैसे ऐसे किसानों की ज़रूरत भी है कि ये लोग आए तो कम से कम मजबूती के साथ अंगद के पैर की तरह जमीन पे जम करके काम करें, तो बहुत सारे लोगों का सहारा बन जाता है। आप सर? सर हम भी समस्तीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, आप भी समस्तीपुर से हैं? क्या बात है, समस्तीपुर की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब मिथिला के चार लोग आए हुए हैं भाई, क्या बात है। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा। अभी क्या कर रहे हैं आप? किसान है सर, किसान खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र प्रसाद सिंह। जितेंद्र प्रसाद सिंह, तो आगे क्या इरादा है? आगे सर आए एक्स्ट्रा कुछ काम कमाने वाने के जुगाड़ में आए, देखे सुने हैं इसलिए आए, देखे अच्छा लगा, सोचेंगे अब काम करने के। सोचेंगे काम करने के लिए, सोचना क्या है करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका फार्म है विपिन सर का, जो आपको यहाँ से इधर देखे, इधर मछली का फार्म है, कुछ इधर छिपाने वाली बात नहीं है, ये इन्होंने मछली के लिए, और ये आप देख सकते हैं ये जो पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस से ही ये बनाया है पूरा स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं ये दो मंजिला जो मकान है ये उन्होंने बनवाया है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो यहाँ पे मछलियों की ये हो जाता है, मछली पालन कर लेते हैं। उधर टर्की है, आप देख सकते हैं टर्की है, इधर उधर की कोई बात नहीं है, टर्की है। और टर्की के बारे में तो आप लोग को पता ही है टर्की की कैसा है, रेड और वाइट मीट का कॉम्बिनेशन है इसमें। और इधर आप देख सकते हैं ये अभी आ रहे हैं उधर से अपने क्षेत्र से घूमते हुए, उधर काफ़ी बकरियां हैं, इस तरह से इनका लंबा चौड़ा फार्म है। और ये स्टूडेंट, ये जो छात्र हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और एक नया साइड से ट्रैक लेकर के चलेंगे बिजनेस का, फार्मिंग का। और उम्मीद है कि जब ये सही जगह पे आ गए हैं, सही जगह पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो सफल भी होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ, तो इंद्र सेन का प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।